होस्ट और आप सभी का दोस्त, आज के स्टूडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से IIM के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वहाँ पे जो कोर्सेज हैं, वहाँ पे जो फीस हैं, वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मगर आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो है IIM रांची के बारे में। रांची इस शहर में IIM का एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची। तो रांची में जब हम MBA के लिए और कोई और कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे, हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और उस सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो देखते हैं बच्चों कि क्या अपने दिमाग में क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनके जवाब क्या हो सकते हैं। जैसे कि हम एडमिशन के बारे में सोचेंगे तो हमारे दिमाग में पहला सवाल आता है कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, फ़ी रेंज क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, वहाँ पे कौन सा एंट्रेंस टेस्ट एक्सेप्ट किया जाएगा, सैलरी पैकेज क्या मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ओवरऑल परसेंटाइल रैंक PT क्या होगा, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। इतने सारे और बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं और उस सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरी दरख्वास्त है, ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा और आपके जो मन में सवाल है उसका पूरा समाधान यहाँ पे मिल सकता है। और एक दरख्वास्त है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एकेडमिक इनसाइट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिखेगा उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस प्रकार के नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने आप मिलते रहेंगे। सो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरी एक और दरख्वास्त, ये वीडियो आपको अंत तक देखना है ताकि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके पूरे जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो IIM रांची के बारे में। IIM रांची ये जो इंस्टीट्यूशन है ये 2010 में स्थापित इंस्टीट्यूशन है जिसको NIRF रैंकिंग के हिसाब से 58 नंबर मिला है। सो NIRF रैंकिंग के हिसाब से रांची वाला इंस्टीट्यूशन 58 नंबर का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है और उसका रैंकिंग 58 है। जहां तक कैंपस की बात है, कैंपस इन एकर्स की बात है, तो ये जो कैंपस है 90 एकर्स में फैला हुआ कैंपस है जो पिछले कुछ 10-11 साल से काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कितने कोर्सेज यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं, यहाँ पे कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं कुल मिला के 11 कोर्सेज यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं और ऑल सभी कोर्सेज जो हैं वो मैनेजमेंट और मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज हैं। फ़ी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ की जो फ़ी है 4.58 लाख टू 8.1 लाख तक यहाँ पर फीस चार्ज की जाती है और उसके हिसाब से यहाँ पे फीस देना ज़रूरी है। जहाँ तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना है। अगर हम ओपन कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर हम कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। और हम बात करेंगे अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, जहाँ तक एंट्रेंस एग्ज़ाम का सवाल है तो यहाँ पे कैट देना ज़रूरी है, CAT दैट इज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना ज़रूरी है और वो एग्ज़ाम अगर हम देंगे तो हमें वहाँ पे एडमिशन मिलना ज़रूरी हो जाता है। और बात करेंगे हम, अगली बात ये है हाईएस्ट सैलरी पैकेज कितना मिला है पिछले साल 2020 में, 2020 में जो हाईएस्ट सैलरी पैकेज इस इंस्टीट्यूशन से ऑफ़र हुआ है स्टूडेंट्स के लिए वो है 58.1 लाख पर एनम। ऑलमोस्ट 58 लाख स्टूडेंट को हाईएस्ट सैलरी पैकेज इंस्टीट्यूशन द्वारा अलग अलग कंपनियों ने ऑफ़र किया है। अगर हम हॉस्टल फैसिलिटी की बात करेंगे तो हॉस्टल फैसिलिटीज कैंपस में अवेलेबल है। जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस तीन चीज़ों को मिलाकर की जाती है, आपके एंट्रेंस के मार्क्स, आपके GD के मार्क्स, आपके PI के मार्क्स और तीनों का मिला के एक ओवरऑल परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ओवरऑल परसेंटाइल रैंक, जो पिछले साल का जनरल कैटेगरी का था 94 और उसकी बेसिस पे सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। और बात करेंगे स्कॉलरशिप की, अगर हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, जो फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से लोग आते हैं, फाइनेंशियली वीक होते हैं, उनके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है, उनको स्कॉलरशिप देते हैं। तो ये है IIM रांची के बारे का वीडियो। मुझे लगता है आपको ये IIM रांची वाला वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन अपने आप मिलते रहेंगे। और जाते जाते ये वीडियो लाइक कीजिएगा और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम आने वाले दिनों में अपना ये वीडियो और हमारे वीडियोस काफ़ी बेहतरीन बना सके आपके सजेशन के हिसाब से। इस वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा IIM रांची के बारे में, आने वाले वीडियो में और देखेंगे हम अलग इंस्टीट्यूशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।